हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो खाड़ी के ऊपर ही है। जैसे आप लोग सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं खाड़ी की सीरीज़, क्योंकि आप सब लोग ही बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। और अब आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप सब लोगों ने क्या खाड़ी की चीज़ें खरीद ली हैं, या अभी भी मेरे कोई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो नहीं कर पाए हैं शॉपिंग। और जिसको जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो मुझे बताइएगा कि कैसे, मतलब अगर आप लोगों से ऑर्डर नहीं हो रहा या जो भी डिफ़िकल्टीज है उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगी। और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि उनसे ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, नंबर वाला जो इशू, सॉरी नंबर नहीं, जो एक अकाउंट से आपसे दो ही ऑर्डर कर रहे हैं, जो इस तरह के इशू आ रहे हैं उनका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, लेकिन थोड़ा सा मसला आ गया था क्लिप्स वगैरह का, तो वो मैं नहीं दे पाई थी। इस वजह से इस वीडियो में मैं वो आंसर आप लोगों को दूंगी, रीस्टॉक की टाइमिंग्स बताऊंगी। और अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम रेडी टू वेयर कैसे ख़रीदें, उन सब चीज़ों के जो बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर्स इस वीडियो में इंशाल्लाह दूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग ये चीज़ के बोलते हैं कि फेक है, या आप ऐसे बताती हैं कि प्राइजेस कम हैं, बता रही हैं चीज़ों के असल में वेबसाइट पे महंगे हैं। देखिए, प्राइजेस कम बता के किसी को फ़ायदा नहीं होता, हर कोई अपनी चीज़ की प्राइस बढ़ा के बताते हैं। और मैं तो और ज़्यादा बढ़ा के बताऊं जैसे बाकी यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं, कि बहुत बढ़ा के बताते हैं और फिर वो आप लोगों को सेल करते, लेकिन मेरा जो है मैं बिल्कुल ऑथेंटिक प्राइस बताती हूँ। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिल भी अटैच कर दूँगी, अगर किसी को कोई इशू है तो वो भी अटैच कर दूँगी। खैर, प्राइजेज जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, और जो लोग इस वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं कि उन्हें भी आइडिया होगा कि खाड़ी की जितनी प्राइजेज बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो खैर, अब ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये रेडी टू वेयर ड्रेस है। अब रेडी टू वेयर कैसे ख़रीदें इसका आंसर भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। बट खैर, ये बहुत ही हसीन रेडी टू वेयर ड्रेस मैंने ख़रीदा था। अब ये जो ख़रीदा था ना, अब इस ये चीज़ आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। जब मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था तो सबसे पहले मैंने ये कुर्ता ऑर्डर किया था। अब मैं आपको सबसे पहले इसका कुर्ता दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैंने जो है ना ये कुर्ता ऑर्डर किया, क्योंकि जो है आजकल लेवेंडर कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। और उस टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था, मुझे अच्छे से याद है, कोई दिन के 12 बजे थे, और अचानक से 12 बजे जो था वेबसाइट पे रीस्टॉक हुआ, मुझे ये कुर्ता दिखा और मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया, क्योंकि बहुत प्यारा कुर्ता था। अच्छा, ये जो कुर्ता था ना, अगर कोई लोग खाड़ी को देखते हैं या उन वेबसाइट्स को देख रहे थे या मेरी वीडियोस को स्टार्ट से फॉलो कर रहे थे, तो उन्हें पता होगा कि ये जो कुर्ता, ये ऐसा वाहिद कुर्ता था जो वेबसाइट पे हम रीस्टॉक रहा ही रहा, मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, ये हमेशा से वेबसाइट पे मौजूद था। तो खैर, अब आपको मैं ये कुर्ता दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो कुर्ता है ना, आजकल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब जो है ना बेसिक चीज़ें चल रही हैं, बेसिक पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई प्लेन कलर्स पे। ये जो प्रिंटेड वाला एक टाइम था ना, वो थोड़ा सा कम हो गया और वो इतना एलिगेंट और डिसेंट भी नहीं लगता। तो खैर, ये इस तरह का ये कुर्ता है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा इस पर इस तरह से जा रहा है। फ्लैश की वजह से ये इतना कलर डिफरेंट लग रहा है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर जो एक लेवेंडर कलर होता है ये वो है। उसके बाद जो इसकी एम्ब्रॉयड्री है ना, वो नियॉन टाइप का जो कलर नहीं होता, उस तरह से ये एम्ब्रॉयड्री हुई है, बहुत ही प्लेन सी एम्ब्रॉयड्री है। और स्लीव जो है वो भी प्लेन है, बस ये टेक्सचर वाला कपड़ा है। बैक भी इसकी इसी तरह से ये सारा टेक्सचर दिया हुआ है, ये इस तरह से थोड़े से धागे शागे लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी धागा ही है, अदरवाइज इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये प्रॉपर है। और जो बस बेसिकली जो इस चीज़ के जो 10/10 वाली चीज़ है ना, वो ये है कि ये जो है ना, इस पर एक तो एक्स्ट्रा टेक्स्चर कपड़ा, और इसका जो फ्रंट पे ये नियॉन कलर की जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो फ्लैश की वजह से बहुत अजीब सा कलर लग रहा है वो। और ये थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता, जैसे लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं वैसा ये लॉन्ग कुर्ता है। अच्छा, साइज़ जो है मैंने 8 ऑर्डर किया था, बट आप लोग ये देखिए, खाड़ी का 8 साइज़ भी ऐसा लगता है जैसे मीडियम है, तो स्मॉल वाले 8 ही ऑर्डर करें, बिल्कुल भी 10 ऑर्डर नहीं कीजिएगा, वो बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा आपको।
तो खैर ये पहला ऐसा खादी का कुर्ता है जिस पे खुद से लिखा हुआ था कि ये 70% ऑफ में है, मतलब कि जो शॉप्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा इनका स्टॉक में बन गया होगा तो ये मौजूद होगा। तो खैर ये जो कुर्ता था ये 6,000 का था और आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1700-1800 तक का पड़ा कुर्ता। दोबारा से रीस्टॉक हुई वेबसाइट तो मैंने कुर्ते पे क्लिक किया तो नीचे मुझे सजेशन में ये ट्राउज़र देखा। अच्छा ये जो ट्राउज़र था ना ये सजेशन में आपके पास कोई भी चीज़ है आप उसे ऑर्डर कर लेगा, वो सेम कलर की होती है भले मॉडल ने अगर कुर्ते के नीचे वाइट ट्राउज़र पहना, लेकिन अगर सजेशन में आपके पास ट्राउज़र या दुपट्टा दिख रहा है यानी वो उसी कुर्ते के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरह से मुझे ये दिखा। अब ये नीचे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इसका नीचे वाला साइड है, उसके बाद जो कुर्ता है ना वो भी सेम फैब्रिक का है और टेक्सचर वाला है। तो ये टेक्सचर वाला सेम लेवेंडर कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, फ्लैश लाइट में इतना मज़े का नहीं दिख रहा है। खैर उसके बाद इसका जो प्राइस थी वो थी 2200 की, लेकिन मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट जो है मुझे ये जो ट्राउज़र था ये आई थिंक 600 तक का या 550 तक का पड़ा था, जो कि बहुत स्टील डील थी क्योंकि इतने में कपड़ा भी नहीं आता और अगर आपका सेम कलर का हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सूट बन जाता है। तो खैर इस तरह से मुझे ये और ये दोनों चीज़ें पड़ी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आई गेस 3-4 दिन बाद जो है मुझे दुपट्टा भी दिखा। अच्छा दुपट्टा लेते हुए मैं बड़ी कॉन्शियस हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा अलग कलर लग रहा था, लेकिन जब मैंने कुर्ता ऑर्डर किया और सजेशन में मुझे दुपट्टा दिखा ना तो मैंने कहा कि हाँ ये इसी सूट का दुपट्टा है क्योंकि सजेशन में दिख रहा है। अगर आप देखेंगे वीडियो में जो है ना वो हल्का सा डिफरेंट कलर दिख रहा है, अच्छा रियलिटी के अंदर भी हल्का सा डिफरेंट है बट वीडियो जितना डिफरेंट कलर नहीं है, बट ऐसा है कि आप इस पे बहुत मज़े से पहन सकते हैं। अब अगर मैं इस कुर्ते और ट्राउज़र के ऊपर वाइट या ब्लैक दुपट्टा लगाती तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं करता, इवन अगर मैं सेम इस तरह का कलर का लगाती लेवेंडर जो प्रॉपर शर्ट कुर्ते का तो भी मज़ा नहीं करता। तो इस तरह से जो ब्रांड्स होते हैं ना वो हमेशा हल्का सा ऊपर नीचे कंट्रास्ट कलर में देते हैं ताकि आपका जो कलर्स है ना वो आपस में दबे ना और वो एक दूसरे को इन्हेंस करें, क्योंकि ये डिज़ाइनर्स का दिमाग होता है जो हम लोगों से ज़्यादा अच्छा चलता है। हमें तो होता है कि भाई सेम कलर हो बिल्कुल, लेकिन डिज़ाइनर्स के जो दिमाग होते हैं वो ज़रा सही बताते हैं और मैंने ये चीज़ बहुत नोट की थी। तो खैर अगर अब मैं आपको ये दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है। अच्छा दुपट्टे का जो कपड़ा है ना वो भी बहुत लाइट वेट है, जो जैसे कोई हैवी सा दुपट्टा नहीं है, बड़ा लाइट वेट है, बड़ा मज़े का फैब्रिक है और बहुत ही हसीन कपड़ा है। अब आप ये देखिए दुपट्टे का नीचे वाला जो साइड है ना बॉर्डर, ये यूँ इस तरह से ये बॉर्डर दिया हुआ है सारा और ये सारी इसमें एम्ब्रॉयडरी है, अब आपको बताएं। और ये उसी कलर की एम्ब्रॉयडरी है जो नियॉन कलर जो शर्ट पे दिया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये सिर्फ एक साइड पे नहीं बल्कि ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल के, ये एक सेकंड बैक करेंगे इसका और ये देखें दूसरी साइड पर, मतलब जो दुपट्टे के दोनों पल्लू हैं ना दोनों पे ये इस तरह से हैवी एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से दोनों साइडों पे ये गिवन है। तो ये बहुत 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 प्यारा लग रहा है और इस तरह से मेरा जो ड्रेस है ना जब मैं इसको पेयर अप करके पहन रही हूँ तो ये बहुत महंगा वाला लग रहा है। अच्छा अब ये जो दुपट्टा है ना, अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। ये 2000 का दुपट्टा था जो कि मुझे ऑफ के बाद 500 तक का मिला, यानी ये जो दुपट्टा है मुझे ट्राउज़र से भी सस्ता मिला। तो 500 में इस तरह का दुपट्टा जो कि वाइट ब्लैक कुर्तों के साथ भी और बहुत सारे ड्रेसेस के साथ लग सकता है, आई थिंक स्टील डील है। उसके बाद अब मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देती हूँ वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा सबसे पहला जो मेरे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि हमारे पास 2 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो रहा। देखें ये इशू सबके साथ आ रहा है, 24 आवर्स के अंदर आप सिर्फ 2 ही ऑर्डर करते हैं, खादी की ये पहले पॉलिसी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो ईमेल है वहाँ आप abc@gmail.com डाल दें, xyz@gmail.com कुछ भी डाल दें। उसके बाद आप बाकी इन्फॉर्मेशन में नेम अपने घर में से किसी का भी रख लें, आप याद कर लें कोई भी रख लें, नेम से कुछ भी नहीं है, आप ABC भी ना रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख लें। उसके बाद जो नंबर आएगा ना वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ऑर्डर कर रही हूँ अपने नंबर से तो मैं क्या करूँ, अपने भाई का नंबर डाल सकती हूँ। तो इस तरह आप अपने घर में किसी का भी नंबर डाल लें। एड्रेस, अब एक मेन क्वेश्चन आएगा कि एड्रेस तो घर का सेम ही होगा, तो देखिए एड्रेस में आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें। जैसे आपका जो हाउस अगर लिख रहे हैं तो आप सिर्फ H/H लिख लें, अगर स्ट्रीट लिख रहे हैं तो स्ट्रीट को रिमूव करके डायरेक्ट से ब्लॉक लिख लें, या थोड़ा बहुत जैसे आगे पीछे हल्का फुल्का। सब लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि एड्रेस को किस तरह से
या तो लंबा कर लें या छोटा कर लें, आप किसी नियर बाय जगह भी लिख दें, इस तरह से हल्का सा एड्रेस करके आप लोग ऑर्डर प्लेस कर दें। मैंने यही चीज़ की थी और मैंने एक दिन में 4 से 5 ऑर्डर प्लेस किए थे। तो इस तरह आपका ऑर्डर आराम से प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम अब वेबसाइट पे रेडी टू वेयर, नियर रेडी टू वेयर कैसे ऑर्डर करें। देखें, इस वक्त खाटी की वेबसाइट पे रेडी टू वेयर अवेलेबल नहीं है। पहले था, वेस्टर्न भी था, रेडी टू वेयर था, लेकिन अचानक से उनने ये ऑप्शंस हटा दिए और अब सिर्फ फैब्रिक अवेलेबल है। तो फिलहाल तो रेडी टू वेयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं, खाटी की अपनी मर्ज़ी है, वो कभी भी ये ऑप्शन डाल सकता है। तो आप लोग चेक करते रहा करिए, ऑप्शन आए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वेट करिए। कभी कभार ऐसा होता है कि फैब्रिक के पोर्शन में ही एक दो ट्राउज़र डल जाते हैं, तो आप लोग उसे देखते रहिए करें। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि हमें वेबसाइट पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप कैसे 70% में ख़रीद रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा। देखिए, या आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि खाड़ी की वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, 70% ऑफ़ में अगर कोई चीज़ है ना, तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतने ऑफ़ में, इतनी महंगाई में चीज़ें नहीं मिलती हैं, और खाड़ी जैसे बड़े ब्रांड की जहाँ कभी भी 70 में नहीं लगता था। तो इनकी कोई ऐसा सेल नहीं चल रही है जो 70% ऑफ तक हो। ये लोग खुद आर्टिकल्स को रीस्टॉक कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को आर्टिकल्स मिलते हैं जो बार बार चेक करते हैं। इस वजह मेरे जो YouTube का पेज है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही रीस्टॉक होते हैं। और अगर मेरे सामने आते हैं, मैं फ़ौरन पोस्ट डाल देती हूँ, जिससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और ये तभी होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मोस्टली जो सहरी, ये रीस्टॉक टाइमिंग है, वो सहरी के वक्त होता है, 3:30 4 4:30 तब तक रीस्टॉक होता है, उसके बाद रीस्टॉक होना बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग्स को आप अवेल करें, चेक करें, बार बार चेक करें। ऐसा होता है कि एक ड्रेस डालते हैं, फिर वो नहीं डाल रहे होते, फिर 5 मिनट बाद दूसरा ड्रेस डाल देते हैं। कल रात भी रीस्टॉक हुआ था, मैंने पोस्ट डाल दिया था कम्युनिटी पे। तो आप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जल्द आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा हो, तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।